हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हमिता एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे अरबी मसाला, वो भी बिना बॉयल किए, बिना किसी झंझट के कुकर में बनाएंगे फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंस्टेंट अरबी मसाला रेसिपी को। आप देख सकते हैं टेम्पटिंग तो दिखी रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अरबी को मैंने कट करके रखा है, पर मैं ये आपको एक दिखाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको पील आउट करना है और कट करना है। तो ऊपर का जो इसका स्किन होता है, इसका जो पील है, उसको निकाल देंगे, नाइफ़ की हेल्प से इसको निकालेंगे, तो ये थोड़ा इजीली निकल जाता है। और फिर इसको हम कट कर लेंगे, आप जिस शेप में कट करना चाहें उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। मैं इसको बीच से कट करके हाफ़ हाफ कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कट करके क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया इसको पानी से बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अरबी थोड़ी चिपचिपी होती है तो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम बनाएंगे सरसों का पेस्ट, जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े चम्मच भर के सरसों लिया है, और यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, तो इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम यहाँ पे कुकर रख देंगे, कुकर को हल्का गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड कर दिया है ऑयल, 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं इसमें, और ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे अरबी को फ्राई होने के लिए। अरबी को फ्राई करने से जो इसमें चिपचिपाहट होती है वो बिल्कुल चली जाती है, और अरबी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को अरबी पसंद नहीं होती है, क्योंकि उनको इसकी चिपचिपाहट जो होती है वो पसंद नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको फ्राई करके बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अरबी का कलर चेंज होने लग गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अरबी हमारी फ्राई हो गई अच्छे से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल इसमें ऐड नहीं किया है, कम तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हींग, 1 पिंच हींग डाला है, क्योंकि अरबी थोड़ी वादी होती है तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं मेथी यूज़ कर रही हूँ, मेथी का पाउडर है, आप चाहें तो मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। अरबी को लोग वादी मानते हैं, ये डाइजेस्ट होने में अच्छे से जल्दी नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसमें हींग और मेथी का यूज़ करें। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अनियन, जो कि मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब अनियन को भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसका जो है कलर हल्का सा जब चेंज हो जाएगा तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अनियन का भी कलर चेंज होने लग गया है, अनियन हमारे हो गए हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था सरसों और लहसुन का, तो उसको डाल के और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1/2 छोटे चम्मच, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटे चम्मच गरम मसाला डाला है बस। अब हम और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस इतने मसाले से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसमें से ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अरबी को जो हमने फ्राई करके रखा है।
तो ये देख सकते हैं अरबी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और मसालों के साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ पानी। आपको जितना इसका थिकनेस रखना है उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें। मैं यहाँ पे एक गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको पतली ग्रेवी चाहिए या फिर गाढ़ी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है। अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और इसको बंद करके इसमें 3 विसल आने तक वेट करेंगे। तो कुकर में हम 3 विसल लगवाएंगे। तो ये देखिए हमने सब्जी खोल दी है और बन के बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, गाढ़ी बिल्कुल। आपको पतली खानी है तो आप ग्रेवी ज़्यादा रखिए और बहुत टेस्टी लग रही है। आप देख सकते हैं खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।